ये पूरा ये फ्लेक्सिबल होस है, ये इसमें कनेक्ट था, ये ऐसे, ये स्टीम का होस है। इसको हम अभी खोल लिए हैं और ये स्टीम यहाँ से होते हुए पूरा नीचे ये टैंक में जा रही है। ऑयल का टैंक है, फिल्टर इधर लगा हुआ है, ये फिल्टर का टैंक है, ये सारा सिस्टम है ड्राई क्लीन का, ये ड्राई क्लीन मशीन है जो कि फिल्टर ऑयल का हीटिंग का प्रॉब्लम था तो इसको चेक करके ले लिए हैं, फाइंड आउट हो गया इसका क्या प्रॉब्लम था। तो अभी इसको स्टीम पास नहीं हो रही है, ये अभी इसको स्टीम पास नहीं हो रहा था तो इसका होस खोल लिए। खोलने के बाद से इसमें देखिए पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। ये स्टीम के साथ जो स्टीम रुक जाता है वो पानी में तब्दील हो जाता है। ये पाइप के साथ साथ ये पूरा कचरा अंदर बैठ गया है, ये इसका वाल के अंदर में भी ये पूरा कचरा बंद है। ये वाल बंद है इसमें क्योंकि ये लाइन चालू है, ठीक है। अभी हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो अभी देखिए ये क्लीन करके लेके आ गए ये, और इसमें इंस्टॉलेशन भी हो गया। ये पूरी लेंथ खोला हुआ था, ये लाइन पूरा खोल के दोबारा से इसको बढ़िया से साफ़ करके और इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये भी जो है साफ़ हो गया है वाल तक। अब इसका कनेक्शन करेंगे जी। अब आपके सामने है, देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल होस जो है इसको कनेक्ट कर दिए हैं स्टीम के लाइन में। ये भी होस में भी कचरा पड़ा हुआ था तो इसको क्लीन करके लगा दिए। और ये एयर का वाल है जो कि खोल दिए, एयर का वाल खुल गया है। अब ये सिस्टम नॉर्मल हो गया है, अब ये सिस्टम पूरा जो है नॉर्मल कर दिया गया। एक दो वाल खोलना बाकी था, खोल के देख लिया गया। अभी ये सिस्टम ऑपरेटिंग कर रहा है, ये आलम भाई जो है चेक कर रहे हैं हीटिंग हो रहा है कि नहीं। इसके अंदर पूरा वाल भरा हुआ था, वो हीट नहीं हो रहा था तो अभी वो हीट चेक कर लिए, हीट हो रहा है, स्टीम पास हो रहा है, ये सिस्टम नॉर्मल ऑपरेट में चल रहा है। फिल्टर का देख लीजिए। शुक्रिया भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।